गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक खरीमजीम उसका पाठ नंबर 6 चिट्ठी का सफर उसका पार्ट 1 सीखेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम देखते हैं पाठ नंबर 6 चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं, देखिए है ना, जब चिट्ठी लिखते हैं तो ये सारी बातें तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन के अंदर कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जैसे कि देखिए, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, क्या जरूरत है डाक टिकट लगाने की, है ना। देखिए पॉइंट नंबर 2, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, पूरा और ठीक पता यानी पूरा एड्रेस लिखना पड़ता है उस पर, तो उससे क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। यस, देखिए जरूरत पड़े तो संदेश को जितना हो सके उतना जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। नंबर 4, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें कहा गया है कि जो चिट्ठी का सफर कैसे शुरू होता है, ठीक है, चिट्ठी हम लिखते हैं तो उसके अंदर ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, आज तो फास्ट जमाना है, मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, तो चिट्ठी का महत्व कम हो गया है, लेकिन पुराने जमाने में चिट्ठी का बहुत महत्व था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इस बात को लेकर यहाँ पे हमें राइटर ने कहा है कि भाई चिट्ठी लिखते वक्त ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, क्या कि चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाना पड़े, पूरे पते से क्या मतलब है, ठीक है, संदेश को जल्दी से कैसे पहुंचाया जाए, अगर रहने वाला आदमी स्थान यानी जगह घर बदल ले तो चिट्ठी कैसे पहुंचेगी, ये सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ राइटर कहते हैं कि अगर जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का जिनको शौक है उनके पास भी ये प्रश्न होते हैं, ठीक है, ये सवाल होते हैं। कई लोगों को आदत होती है डाक टिकटें इकट्ठा करने की, अपने पास जमा करने की, अलग अलग प्रकार की डाक टिकटें आपने देखी होगी, पोस्ट टिकट, ठीक है, जिसके ऊपर महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर होती है, टाइगर की तस्वीर होती है, लायन की तस्वीर होती है, पिकॉक की तस्वीर होती है, ऐसे जो डाक टिकटें होती है वो इसे कई लोग इकट्ठा करते हैं और ये आदत होती है, इसका एल्बम बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को भी इस प्रकार के सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों पर दी गई जगह में लिखो। देखिए यहाँ पे 2 लेटर हमें दी गए हैं, ठीक है, इस तस्वीर के अंदर देखिए, तो पहले लेटर में महात्मा गांधी, जहाँ वहाँ गांधी, जहाँ वो वहाँ, है ना, वर्धा, इतना ही लिखा हुआ है, और देखिए डाक टिकट वगैरह लगाई गई। और सामने दूसरा जो लेटर दिया गया है येलो कलर का, उसमें देखिए श्रीमान, ठीक है, निर्दोष महोदय, राष्ट्रीय अनुसंधान
एवं है ना, प्रशिक्षण परिभाषा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, नई दिल्ली पर पूरे एड्रेस के साथ, तो यहाँ पे हमें दो लेटर दिए गए हैं, ठीक है। तो एक लेटर में महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, और दूसरे में पूरा एड्रेस लिखा गया है। देखिए ऊपर डाक टिकट भी लगाई गई है, ऊपर सील भी लगाया गया है। तो इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि लेटर हमें कैसा लिखना चाहिए। आइए, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां वो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा है, ठीक है। दूसरे जो लेटर हमने देखा येलो, उसमें पूरा पता, एड्रेस, इमारत का नाम सब कुछ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के साथ गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर है जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। देखिए ये फायदा है पिन कोड नंबर लिखने से। पिन कोड लिखने से हमें तो नहीं मालूम होता, लेकिन जो डाक बांटने वाला है, पोस्टमैन है, पोस्टमास्टर है, उसे बहुत इजी हो जाता है और वो आसानी से जिस पते पर उस चिट्ठी या लेटर को पहुंचाना है, आसानी से वो वहां पर पहुंचा सकता है जिस जगह पे उसे पहुंचाना है। इसके लिए उसे फायदेकारक होता है पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। याद रखिए बच्चों, 15 अगस्त 1972 को शुरुआत हुई इसकी। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि गांधी जी को लिखे पत्र में कोई पिन कोड वगैरह नहीं है, जबकि दूसरा पत्र जो है उसमें पूरा पिन कोड, एड्रेस लिखा हुआ है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। अब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। हरकारा यानी चिट्ठियां पहुंचाने वाला, संदेशवाहक, है ना। तो हम यहाँ कबूतरों की बात करते हैं तो उन पुराने जमाने में उन इंसानों की भी बात करते हैं कि जो पैदल चलकर लोगों तक चिट्ठियां पहुंचाते थे, पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। उस समय हमारे देश में राजा महाराजा थे, राजाओं का राज था, तो वो अपने संदेश पहुंचाने के लिए घुड़सवार हरकार यानी घुड़सवार संदेशवाहक रखते थे।
हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। उनको इतना ही नहीं कि संदेश पहुंचाना है, डाक पहुंचानी है, साथ साथ में जो डाक है उनके पास जो चीजें हैं, पार्सल है, उसकी भी उन्हें सुरक्षा करनी होती थी, रक्षा करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। उस वक्त में दुर्गम स्थान पर ऐसे कोई सड़क, पक्की सड़कें नहीं थी, ऐसे व्हीकल नहीं थे, मोटर कार, ट्रेन नहीं थी। उस वक्त इन लोगों को चिट्ठी लेकर दूर दूर तक जाना पड़ता और रास्ते में डाकू लुटेरों से भी सामना करना पड़ता था। आज भी यह भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आज भी दूर दूर पहाड़ी इलाके, जंगल के जो एरिया है वहां पर हरकार यानी मैं संदेश पहुंचाने वाले, चिट्ठियां पहुंचाने वाले आदमियों के द्वारा इस तरह का काम होता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह है जहाँ हरकारे डाक पहुंचाते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऐसी जो जगहें हैं जंस्कार जैसी, जहाँ पे ये हरकारे संदेश वाहक, ठीक है, चिट्ठी पहुंचाने वाला आदमी से ये चिट्ठियां या संदेश या पार्सल पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम यहाँ तक देखेंगे। ओके, थैंक यू।